डॉक्टर सोनिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो इकदाम उठाया गया है ये कितना अहमियत का हामिल है। जी डॉक्टर साहिबा, ये बहुत ज़रूरी हो गया था मुआशरे में, क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा कि बसेस में भी चढ़ते हुए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए, लेडीज़ के लिए, वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि वो कैसे बैठें, क्योंकि हर जगह पर मर्द होते थे और उनको बस स्टॉप्स पर भी खड़े होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। अब अगर उन्हें एमरजेंसी में कहीं जाना है अपने पेरेंट्स को लेकर या घर वालों के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उनको एकदम से निकलना पड़ता है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो वो बड़ी मतलब डिस्टर्ब रहती थी कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर है मुआशरा मर्द का है। लेकिन इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आज इस इवेंट में आकर, हमारी एनजीओज ने, हमारी लोकल गवर्नमेंट ने हमारी बहुत बड़ा साथ दिया है हमारा, कि आप फीमेल्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि वो बाइक राइडर बन जाएंगी और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगी और अपने मतलब उसमें दो तीन लोग बैठ सकते हैं आराम से, और वो लोग अपने सफ़र का आगाज़ करेंगी, वो अपनी जॉब पर जाएं, वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाएं या अपने घर के कामों को निपटाएं। तो बहुत खुश आइंद ये इकदाम है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे जब भी कोई भी हमारे मुल्क में, ख़ासतौर पर हमारे शहर में, सिंध में जो भी इकदाम उठाया जाता है, शिकायत यही रहती है कि वो शुरू शुरू में तो फॉलो अप किया जाता है लेकिन उसके बाद जो है वो फॉलो अप करना बंद हो जाता है, इसको कैसे देखती हैं आप? इसमें भी हमें हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगी, क्योंकि जब एक अच्छा कदम उठता है ना, तो उसके पीछे उसको तोड़ने के लिए कुछ एंटी ग्रुप्स होते हैं, कुछ एंटी लोग होते हैं जो उस पर भी कमेंट करते हैं। अब मुझे पता है इस पर कमेंट आएगा, अब जी लेडीज़ बाइक चलाएंगी, अब जी लेडीज़, क्योंकि आज तक औरत के गाड़ी चलाने को भी लोगों ने कबूल नहीं किया, अभी तक उसको हॉर्न देते हुए रास्ता बड़ी मुश्किल से देंगे और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई कई इलाकों में। आपने, आपको एक्सपीरियंस है लाइफ का, ठीक है, आपने बहुत से हालात देखे हैं, ये तमाम सिचुएशंस से आप गुजर चुकी हैं। मैं गाड़ी चलाती हूँ खुद जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट करते हैं लेकिन आज भी कुछ पेरेंट्स इस एग्जाम को डिनाई करते हैं, वो कहते हैं एग्जाम ठीक नहीं है, आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज भी मैं जब इस इवेंट में आ रही थी तो मेरे घर वाले भी मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे, लो जी अब लड़कियां भी बाइक चलाएंगी। लेकिन मैं उन वालिदैन को ये ही मैसेज दूंगी कि ज़रूर करें, क्योंकि जब जूडो कराटे लड़कियां सीख रही थी बहुत साल पहले, तब भी बड़ा इसको मुश्किल नज़र से देखा गया था कि लड़कियां कैसे, लेकिन वो उनकी सेफ्टी के लिए था, तो ये उन्हीं की भलाई के लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को बाहर लेकर आएं ताकि वो आपकी पावर बने और आपको उस मुश्किल वक्त से निकालें, क्योंकि बेटी किसी भी बेटे से कम नहीं। यानी कि आने वाला जो सेंचुरी है, जो एरा है, वो गर्ल्स का है पाकिस्तान में। बस मसावत है, मसावात का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें हुक्म दिया था, औरत और मर्द दोनों साथ चलते हैं, और मर्द काम पर जाता है तो औरत घर चला रही होती है, तो क्यों ना हम इस रास्ते पर भी औरत को सामने लेकर आएं और ताकि वो आपकी ताकत बने। डॉक्टर सोनिया साहिबा, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।